स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? आज हम सबके लिए गर्व का दिन है। आज के दिन ही हमारा देश या हम आज़ाद हुए थे और ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली थी। आज का दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इतिहास में सदा के लिए उल्लेखनीय हो चुका है। आज के दिन लाल किले के प्राचीन से लेकर गांव के छोटे छोटे मोहल्लों में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह दिन हमें मौका देता है उन महान स्वतंत्र सैनिकों को याद करने का जिन्होंने हमें एक शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं के बलिदानों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही हम उन महान लोगों को याद करते हैं जिनके कठिन संघर्षों की वजह से हम अपनी आज़ादी का उपभोग करने लायक बने हैं और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले सकते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी पाना हमारे पूर्वजों के लिए बेहद असंभव कार्य था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लगातार प्रयास करके आज़ादी प्राप्त कर ली। हमें उनके कार्य को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा याद करते रहना चाहिए। केवल एक दिन में हम सभी स्वतंत्र सैनिकों के कामों को हम याद नहीं कर सकते, लेकिन दिल से उन्हें सलामी जरूर दे सकते हैं। आज सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम महान लोगों की कुर्बानियों को याद करने के लिए बनाते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भारत की आज़ादी मुमकिन हो सकी क्योंकि सहयोग बलिदान सभी भारतीयों की सहभागिता थी। हमें महत्व सलामी देनी चाहिए उन सभी भारतीय नागरिकों को क्योंकि वह असली राष्ट्रीय हीरो थे। भारत के कुल महास्वतंत्र सैनिकों में बाल गंगा तिलक, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय आदि ये सभी प्रसिद्ध देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक भारत की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। हम लोग हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए संघर्षों की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज हमारा देश विकास की सही राह पर है। आज हमारे देश पूरी दुनिया में लोकतंत्र के रूप में अच्छे से स्थापित है। गांधी जी एक महान नेता थे जिन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह जैसे आज़ादी के असरदार तरीकों के बारे में हमें बताया। अहिंसा और शांति के साथ आजाद भारत के सपने को गांधी जी ने ही दिखाया था। भारत ही हमारी मातृभूमि है और हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। हमें बुरे लोगों से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे की ओर ले जाएं और भारत को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएं। आशा करती हूँ हमारा देश हर साल हर क्षेत्र में विकास करता रहे ताकि पूरी दुनिया को हमारे देश पर गर्व हो। मैं भारत वर्ष का हमेशा अमित सम्मान करती हूँ यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ। यह थी SM News की रिपोर्ट।